नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। राजधानी भोपाल में 7 दिनों तक चले साहित्य, कला और संस्कृति के संगम का रंगारंग और आतिशी साथ समापन हो गया है। इस अवसर पर औपचारिक समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके, मध्यप्रदेश के संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर और स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। शिल्पा राव ने गीतों के माध्यम से विश्व रंग में जमकर समा बांधा, जिसमें दर्शक शिल्पा राव के गीतों पर जमकर झूमे। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में 7 दिनों तक चले साहित्य, कला और संस्कृति के संगम विश्व रंग का रंगारंग और आतिशी के साथ बंद हो गया। आसमान में झिलमिलाते तारों के नीचे अपनी वजनदार आवाज में अद्भुत समा बांधती शिल्पा राव ने जब मौला मेरे मौला से परफॉर्मेंस की शुरुआत की, मानो ऐसे लगा जैसे कोई जादू हो गया। इस दौरान इतना दीवानापन, इतना जोश शिल्पा की आवाज ने भर दिया कि विश्व रंग में शामिल हजारों लोग थिरकने लगे और झीलों की नगरी भोपाल संगीत की ताकत को महसूस करने लगी। जगमगाते स्टेज सामने झूमता हुजूम और एक के बाद एक पेश की गई बेहतरीन परफॉर्मेंस की गवाही दे रहा था। इसके बाद शिल्पा राव ने मौला मेरे मौला, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया से श्रोताओं का दिल जीत लिया। इस अवसर पर औपचारिक समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल डॉक्टर अनुसुईया उइके, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और विश्व रंग के निदेशक संतोष चौबे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर अनुसुईया उइके ने कहा कि विश्व रंग भारतीय संस्कृति वैश्विक मंच द्वारा आयोजित टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव के इस कार्यक्रम में मंचासीन है माननीय मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मेरी छोटी बहन एवं संस्कृति एवं पर्यटन विभाग की मंत्री बहन सुश्री उषा ठाकुर जी। अभी आपने उनका विचारों को आपने सुना होगा, उनके अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तमाम सारी चीजों से ओतप्रोत और उनके विचार को जब मैं सुनती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि तुम इस राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आई हो। जिस तरीके से उनके विचार होते हैं, बोल होते हैं, आपने सुना ही होगा कि काश जिस तरीके से उनके अंदर एक सरस्वती माँ का वास है, ऐसा लगता है कि ये बोलते जाए, हम सुनते जाए। विश्व रंग आयोजन में देश दुनिया की कला, संस्कृति और साहित्य का संगम हुआ है। साहित्य एवं संस्कृति के इस वैश्विक आदान प्रदान से भारतीय युवाओं को भी भारत के साथ दुनिया की संस्कृति का ज्ञान होगा। सही मायने में यह आयोजन भारतीय संस्कृति की विशेषताओं को यह आयोजन दिखाता है। संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि विश्व रंग के इस पावन मंच पर टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य एवं कला महोत्सव में मंच पर विराजी श्रद्धेय महामहिम छत्तीसगढ़ परम आदरणीय सुश्री अनुसुईया उइके जी, जो मध्य प्रदेश की बेटी हैं, और हम सब के लिए ये बहुत गौरव का विषय है कि वो आज भी उतनी ही सरलता, सहजता से सबके लिए उपलब्ध है और उनकी सेवा के अद्भुत और अनूठे प्रकार हैं। महामहिम होने के बावजूद जब छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जन साधारण अपनी सब समस्याओं का समाधान उनके आश्रय में आकर पाता है, तो प्रसन्नता का कोई ठौर
बचता नहीं और बहुत ही अधिक आत्मिक आनंद होता है कि भारतीय जनता पार्टी के मूलभूत सिद्धांत हमारी पंच निष्ठाएं कि जब हम सत्ता में जाएं तो शासक का अभिमान ना पालें और सेवक बनकर समाज परिवर्तन के लिए काम करें। सदियों में संतोष जैसे महान विभूतियों का जन्म होता है। टैगोर के नाम पर इतना बड़ा करना एक सराहनीय कार्य है। कला, संस्कृति, साहित्य के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम करने के लिए टैगोर स्वयं भी इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, जिसका माध्यम संतोष चौबे बने हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि विश्वरंग जैसे आयोजन से वैश्विक स्तर पर भाषाओं के साथ संवाद स्थापित होता है। उन्होंने कहा कि विश्वरंग खुशियों का रंग भरने वाला आयोजन है। ये भारतीय कला, संस्कृति एवं साहित्य को विश्व पटल पर ले जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य कला महोत्सव के द्वारा आयोजित किया गया है। पूर्व में जैसा कि वक्ताओं ने उल्लेख किया कि पिछले वीक में लगातार कंटिन्यूस इस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। 2019 में भी मैं डॉक्टर चौबे जी के साथ में मैं यहाँ आया था, उपस्थित हुआ था। उस समय मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में था। निश्चित रूप से डॉक्टर चौबे साहब ने ये कला के लिए और इनकी जो यूनिवर्सिटी है उसके माध्यम से पहले 12 जिलों 12 प्रदेशों को जोड़ा, आज 50 प्रदेश हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश की कला से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर विश्व पटल पर ले जाने का ये प्रयास डॉक्टर चौबे साहब ने और उनकी पूरी टीम इस कार्य को कर रही है। विश्वरंग हिंदी और भारतीय भाषाओं के बीच एक वैचारिक संवाद एवं सांस्कृतिक आपसदारी का एक ब्राट समागम हम इसको कह सकते हैं। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक चले टैगोर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में कलाकारों ने प्रत्येक दिन अलग अलग प्रस्तुति दी। 14 नवंबर को सुश्री कौशिकी चक्रवर्ती ने शास्त्रीय गायन किया। 15 नवंबर को गीता पराग द्वारा संत कबीर की संगीतमय प्रस्तुति और रामायण की प्रस्तुति दी गई। 16 नवंबर को पूर्वा नरेश द्वारा नाटक बंदिश की प्रस्तुति की गई। 17 नवंबर को याकूब सागर द्वारा शहनाई वादन पपोन बैंड की प्रस्तुति की गई और 18 नवंबर को जानकी बैंड जबलपुर की वृंदगान प्रस्तुति थी। 19 नवंबर को गणगौर की नृत्य प्रस्तुति थी और 20 नवंबर को भगोरिया एवं जनजातीय नृत्य के साथ शिल्पा राव के गायन के साथ साहित्य, कला और संस्कृति के संगम का रंगारंग आतिश्य के साथ समापन हो गया विश्वरंग 2022।